वो बता दें कि बागी हुए एनसीपी विधायक दौलत दारूड़ा सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें बहलाकर दिल्ली ले जाया गया था। विधायक ने कहा कि उनसे अजीत पवार ने कहा था कि सब बात हो चुकी है और बीजेपी के साथ सरकार बन रही है, लेकिन अब वो शरद पवार के साथ हैं। तो जो बाकी विधायक अब शरद पवार के खेमे में वापस आ रहे हैं, उनके रिएक्शन भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मैं सभी मीडिया वालों को एक विनंती करता हूं कि गए दो दिन से ऐसा ही कुछ समाचार चल रहा है कि विधायक उड़ गए, बंडखोर हो गए, भाग गए, निकल गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमें हमारे जो नेता है, जो कल के नेता थे, आज के नेता है और आगे भी नेता रहने वाले, जो हमारे विधिमंडल के गठन नेता है अजीत दादा पवार साहब ने हमें संदेश दिया, सुबह 7 बजे हम लोगों को मिलना है। नेता का आदेश आने के बाद में प्रथम काम है, कर्तव्य हमारा कि वहाँ जल्द से जल्द पहुँचे, 7 बजे पहुँचे, शपथ विधि हुआ, उसके बाद में हमें कुछ लोग एयरपोर्ट के तरफ लेके गए, वहाँ से हम दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद में शाम को जब पता चला कि अपनी पार्टी की भूमिका हमने शरद पवार साहब से बात करने के बाद में पूछने को ना, हमने तुरंत संपर्क किया, उनसे बात की, पवार साहब ने हमें साफ बता दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को मिलके ही अपने को आगे सरकार बनानी है, उनके साथ रहना है। हमने उनकी बात सुनने के बाद में उन्हें तुरंत पूछा कि सर हम लोगों को तो वापस आना है, हमको पार्टी के साथ में ही रहना है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से जल्द निकलोगे। उस तरीके से प्रबंध हमें पवार साहब ने कर दिया और वहाँ से निकल आए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के विधायक ललित होटल से शिफ्ट किए जा रहे हैं। होटल लेमन ट्री में शिवसेना के विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक हलचल जो वो देखने को मिल रही है। अब खबर ये आ रही है कि शिवसेना के जो विधायक हैं उन्हें ललित होटल से लेमन ट्री होटल में शिफ्ट किया जा रहा है।